जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो भाई कमेंट आए थे, कुछ कमेंट आए थे सर कि जो RPF है SI की कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आई थी पिछली बार, तो उनकी प्रीवियस सर की कट ऑफ बता दीजिए, कहाँ की कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि फार्म किस प्रकार से भरे जाएंगे। जब फार्म भरे जाते हैं तो ग्रुप में भरे जाते हैं, जैसे आपको पता होगा NTPC और ग्रुप डी के कैसे फार्म भरे जाते हैं। जोनल वाइज फार्म भरे जाते हैं जोन के, और पूरे जितने जोन है 18 जोन हो गए हैं फिलहाल में रेलवे में, तो जोन बाई जोन फार्म भरे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है आरपीएफ में होता है ग्रुप बना दिए गए, 6 ग्रुप बना दिए गए, जिसमें ग्रुपों में मतलब ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई और एफ, ठीक है। तो इन ग्रुप में क्या किया, 2 या 3 रीजन करके डिवाइड कर दिया है, मतलब कि 2-3 रीजन को मिला के एक ग्रुप हो गया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ए बना दिया गया है। अगर हम बात करें ग्रुप की और पिछले बार की वैकेंसी की बात करें, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी की बात कर रहे हैं हम पहले, तो पिछले बार की कॉन्स्टेबल की वैकेंसी और ग्रुप की कि कौन से ग्रुप में कौन से रीजन आते थे, तो आपको हम बात करें, दिख रहा होगा आपको। तो पहले अगर हम बात करें तो देखो ए ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप ए में कितने जोन थे, 3 जोन थे, कौन कौन से, SR और SWR और कौन थी, SCR, एक मतलब की रीजन थे, ठीक है, मतलब जोन थे। और आगे हम बात करें इसमें वैकेंसी की, तो वैकेंसी इस जोन में वैकेंसी है जो मतलब ग्रुप ए में वैकेंसी कितनी थी, मेल की 804 वैकेंसी थी, और क्या बोलते हैं फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की कितनी थी, 927 वैकेंसी थी इस ग्रुप ए में और 3 रीजन में, ठीक है, 3 रीजन का मतलब जोन में। अब बात करें ग्रुप बी, ग्रुप बी में भी कितने थे, 4 जोन थे, 4 जोन कौन थे, CR, WR और WCR और SECR, 4 जोन थे, किसमें, बी ग्रुप में 4 जोन है, जिसमें अगर वैकेंसी की बात करें मेल में 440 वैकेंसी थी, फीमेल में 712 वैकेंसी थी, ठीक है। और अब सी ग्रुप की बात करें, सी ग्रुप में भी 4 जोन है, कौन से, ER जोन और ECR और SER और कौन सा है, ECOR जोन, इसमें भी 4 जोन है। अगर हम वैकेंसी किस में बात करें तो मेल की वैकेंसी 1287 है और फीमेल की वैकेंसी 1391 थी, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज भी देख लेंगे उसमें टोटली, वैसी बात है। और क्या है, ऐसी डी है, ग्रुप डी है, ग्रुप डी में भी 4 जोन है, इसमें क्या है NR, मतलब 4 जोन कौन कौन से, NR, NER, NWR और क्या है NCR, जिसमें अगर बात करें मेल की वैकेंसी 1046 थी और फीमेल की वैकेंसी क्या है 1006 थी, ठीक है। अगर हम ग्रुप ई की बात करें, ग्रुप ई में केवल 1 जोन था, NER, ठीक है। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो मेल की कितनी थी, 160 वैकेंसी और फीमेल की 180 वैकेंसी। अगला एक और एफ जोन बना रखा है जिसमें क्या है, RPSF, ठीक है, इसका आपको पता होगा रेलवे पुलिस सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, चेंज कर दिया गया था नाम। इसमें क्या है, इसमें मेल की कितनी थी, 666 वैकेंसी, तो फीमेल की एक भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। और टोटल वैकेंसी अगर बात करें पिछली बार कितनी थी, मेल की कितनी थी, टोटल वैकेंसी 4403 थी और फीमेल की 4216 थी। अगर इनको जोड़ा जाए तो कितनी हो जाएगी, 1600 कितनी हो जाएगी, 19 वैकेंसी थी पिछले बार, किसकी, कॉन्स्टेबल की वैकेंसी थी। ये तो हमने आपको बता दिया क्या कि इतनी इतनी वैकेंसी इतने जोन में बांटा गया था, ठीक है। और जब उस समय शायद 18 जोन नहीं थे, पहले 17 जोन थे, बीच में ये क्या है 18वां जोन बना है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, अब बात करें, हमने बताया था कि कितने जोन है, 6 जोन है, ग्रुप 6 ग्रुप हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी और ई और एफ, इतने ग्रुप हैं जिनको अलग अलग जोन में दिया गया है। अगर हम मेरिट की बात करें तो पहले हम मेरिट की बात करते हैं किसकी, ग्रुप की, किसकी अब बात करेंगे, मतलब ए ग्रुप की, बी ग्रुप की, सी ग्रुप की, मेल की और फीमेल की वैकेंसी मतलब कितनी गई थी, फीमेल की मतलब कि ये कट ऑफ कितनी गई थी। तो हम बात कर, आपको देख रहे होगी फोटो कॉन्स्टेबल की, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें, देखो अब इसमें कैटेगरी वाइज दी गई है फीमेल की और मेल की। तो पहले आपको दिखा दें हम ए ग्रुप, ग्रुप ए की मेल की कट ऑफ देखें किसकी, देखो ए ग्रुप में मेल OBC की कट ऑफ नहीं दी गई है, SC की कितनी गई थी, 77.9 थी, ST की 78.32 थी और अनरिजर्व की कितनी थी, 83.82। अब आपको इसमें EWS नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उस समय EWS का कोटा नहीं होता था, उसके बाद आया जब ये भर्ती हो चुकी थी, जब ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की कितनी कट ऑफ थी ग्रुप ए में, ओबीसी की थी 55.66 और क्या है, SC की कितनी है, 50.76 और ST की क्या है, 50.76 ऐसी ST की भी है और अनरिजर्व की कितनी है, 57.21 ग्रुप ए की। अब ग्रुप ए बी की बात करें तो ग्रुप बी में OBC की कितनी है, 89.26, SC की कितनी है, 82.26, ST की कितनी है, 78.68 और अनरिजर्व की कितनी है, 89.42, ये मेल की बात। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल है OBC की 54.30 है,
और मतलब कि SC की 51.39 है, ST की 51.27 है और अंदाजन की कितनी है 61.72। ठीक है, इस प्रकार को आपको पूरी मेरिट तक रही होगी। अब दो हम पूरे का बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरिट की का बात करें तो किस मतलब की ग्रुप की गई थी, वो भी अंदाजन की कहाँ की गई थी, डी ग्रुप की, कहाँ की डी ग्रुप की अंदाजन की सबसे ज़्यादा मेरिट है, इसमें दिख रहा होगा 117 है और सब में समझो कम है इर्द गिर्द। अगर 117 को छोड़ के अगर और अन्य मतलब कि उसकी कैटेगरी तथा इस ग्रुप की देखी जाए तो सबकी क्या है 90-100 के आसपास है। ठीक है, इतनी मेरिट है। अब ज़्यादा हाई जाने का रीजन भी उस जोन का अलग होगा, क्योंकि अलग अलग पता है आपको कितने जोन थे उसमें, डी ग्रुप में कितने जोन थे, 4 जोन थे डी ग्रुप में, 4 जोन थे और लड़कों की वैकेंसी कितनी थी डी जोन में 1046 थी और लड़कियों की 1006 थी। इसी जोन में सबसे ज़्यादा मेरिट गई है और अदर जोन की कम मेरिट गई है, किसी की 90, किसी की 89, किसी की कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी फार्म भरे नहीं गए हैं, तो अप्रैल में फार्म भरे जाने हैं, 15 अप्रैल से फार्म भरे जाएंगे। ऑफिशियल नोटिस की भी हमने वीडियो बना रखी है, ठीक है, बना दी थी, पहले बना दी, ऑफिशियल नोटिस आ गया है। ठीक है, तो 15 अप्रैल से फार्म भरे जाएंगे। आपको पता है कि ग्रुप बाई फार्म भरे जाते हैं, नहीं पता हो तो आप आज पता चल गया है। ठीक है, जब फार्म भरे जाएंगे तो उसकी भी हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ से पड़े, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।